सिख विरोधी ताकतां दी कठपुतली बादल दल दे रहे खोती जथेदार चार पांच बीबियां नाल विआह रचा के उन्हां नूं तलाक देण वाले गुरु गोबिंद सिंह जी मर्यादा प्रसाद रामचंद्र जी के जो बड़े पुत्र लव थे उनके वंशज हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। बेटी जां पोतरी दी उम्र दी लड़की दे नाल फिर विआह रचाउण वाले जिसका अपना मुंडा गुरुद्वारा साहब दे विच खुद नशा करदा फड़िया गया। कुसू के वंशज हैं गुरु नानक देव जी बेदी थे और सोडी जो है गुरु गोबिंद सिंह जी वो लव के वंशज हैं। तो हमारे तो पूर्वज थे। साडी अंश वंश है जागत जोत जपै निसवासुर एक बिना मन नैक न आनै पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मठ भूल न मानै पंथ दे खेमे दे विच शेर दी खल पा के इक वाल स्यों वर्गे खोते तुरे फिरदे ने इन्हां नूं पक्के तौर ते गुरु पंथ दे खेमे चो बाहर कीता जा सके। सिख एक वखरी कौम है सिख एक न्यारा है आनंदपुर साहब दा वासी है यही लोग एक दिन धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पंजवां वेद गुरु नानक साहब जी नूं ये विष्णु दा अवतार ते हर सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं कदे ये मंदरां दे नाल जोड़ के ते तुहाडा सारा कुछ तहस नहस करनगे। हुण तां खोते खुद हिणक के दस रहे ने भी असीं शेर नहीं असीं खोते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख विरोधी ताकतां दी कठपुतली बादल दल दे रहे खोती जथेदार चार पांच बीबियां नाल विआह रचा के उन्हां नूं तलाक देण वाले बेटी जां पोतरी दी उम्र दी लड़की दे नाल फिर विआह रचाउण वाले जिसका अपना मुंडा गुरद्वारा साहब दे विच खुद नशा करदा फड़िया गया। इकबाल सिंह पटना साहब वाला जिसने अज अयोध्या दे विच जाके एक बयान दा गया जिस विच ओह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं गुरु नानक साहब नूं ते गुरु रामदास महाराज जी नूं कदे सोढ़ी कदे लव ते कुछ दी अंश वंश दस रहा है। बेनती करदे आं संगत नूं समुचे संसार भर नूं गुरु नानक साहब जी दा जिहड़ा अंश वंश है ना हम हिंदू ना मुसलमान खालसा मेरो रूप है खास आनंदपुर साहब दे वासी हाँ अकाल दे पुजारी हाँ ये साडी अंश वंश है और साडा रहत नामिया ते गुरु साहब जी दे अपने बचन ने मैं ना गणेशे प्रथम नाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं ये साडी अंश वंश है। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तुहे वखान्यो। साडी अंश वंश है जागत जोत जपै निसवासुर एक बिना मन नैक न आनै पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मठ भूल न मानै तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पछानै पूर्ण जोत जगै घट मैं तब खालस ताहे नखाल सजानै ये साडी अंश वंश है। ते बेनती करदे आं समुचे सिख जगत नूं ये हिरदे वेदक जिहड़ा जिन्हां ने बयान दिता है आओ गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर दा हिस्सा बनो गुरु घरां दे विच्चों गंदी राजनीति बाहर कढ़ीए तां जो पंथ दे खेमे दे विच शेर दी खल पा के इक वाल स्यों वर्गे खोते तुरे फिरदे ने इन्हां नूं पक्के तौर ते गुरु पंथ दे खेमे चों बाहर कीता जा सके और समुची मानवता तक दस दिता जाए। सिख एक वखरी कौम है सिख एक न्यारा है आनंदपुर साहब दा वासी है किरत करन नाम जपन विच वंड छकन च भरोसा रखदा है। किसे ओ मुबारकबाद जेड़े लोग देवी देवत्यां दे पुजारी ने पर सिख देवी देवत्यां दा पुजारी नहीं अकाल दा पुजारी है। इस लई सारे आओ गुरद्वारा प्रबंध सुधार लहर दा हिस्सा बनो अगर जे तुसी इत्थे अज ना समझे यही लोग एक दिन धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पंजवां वेद गुरु नानक साहब जी नूं ए विष्णु दा अवतार
ते हर सचखंड श्री हरिमंदर साहब नू कदे ए मंदरां दे नाल जोड़ के ते तुहाडा सारा कुछ तहस नहस करनगे। इसलिए गुरसंगत जी आओ हुण तां खोते खुद हिणक के दस रहे ने भी असी शेर नहीं असी खोते हैं। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਮੁਨਾ ਗਏ ਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦਾਸ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੇਹ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ ਆਓ ਪੰਥ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢੀਏ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ ਨਰੈਣੂ ਭਜਾਈਏ ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।